Very good morning to all the students of class 5. Today in English we are going to start our grammar portion. Okay, so today I am going to teach you lesson number 1 of grammar. The name of the lesson is nouns and pronouns. It is given on page number 3 in your grammar book. Okay, so nouns and pronouns. First one is kinds of noun. Noun के kinds के बारे में, मतलब हमें different types of nouns के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज ऑफ एज वन होल. कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो एक ही प्रकार की बहुत सारी चीज़ों का एक कलेक्शन जिसे कहा जाता है, ठीक है, जिसको एक ही उसमें हम काउंट करते हैं. ओके, जैसे फ्लॉक, क्राउड, पुलिस, आर्मी, कमिटी, जूरी, फर्नीचर, एक्सेट्रा. ठीक है, मीन्स क्या होता है? फ्लॉक मीन्स होता है पक्षियों का झुंड. ओके, ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज नोन एज फ्लॉक, ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज क्राउड, ग्रुप ऑफ पुलिस ऑफिसर्स और पुलिसमैन इज नोन एज पुलिस, ग्रुप ऑफ आर्मी पर्सन और सोल्जर्स इज नोन एज आर्मी, कमिटी ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु टेक डिसीजंस, ज्यूरी इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ जजेस. ओके, फर्नीचर्स जितने भी हमारे फर्नीचर्स होते हैं तो इन सबको हम एक में ही काउंट करेंगे. ठीक है, जैसे बहुत सारे बर्ड्स हैं तो ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए हमने फ्लॉक यूज़ किया एज अ कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ पीपल है तो हमने क्राउड यूज़ किया एज अ कलेक्टिव नाउन. ठीक है, तो ये सब जितने भी हैं ये सारे क्या हैं? कलेक्टिव नाउन है. और कलेक्टिव नाउन क्या होती है? जब बहुत सारी चीज़ों का हम एज अ होल ही काउंट करते हैं. सेकेंड वन इज मटेरियल नाउन. अब मटेरियल नाउन क्या होती है? इट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग फ्रॉम विच अदर थिंग्स कैन बी मेड. मटेरियल नाउन ऐसी नाउन्स होती हैं जो एक चीज़ में से दूसरी चीज़ों को बनाया जा सकता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, लेदर, वाटर, मिल्क, शुगर, वूड, वूल, एक्सेट्रा. ठीक है, गोल्ड. गोल्ड की आप रिंग भी देख सकते हैं, ब्रेसलेट, नेकलेस, गोल्ड की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. वैसे सिल्वर की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेदर की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वाटर. ठीक है, वाटर इज़ यूज्ड एज सो मैनी थिंग्स. ठीक है, मिल्क, मिल्क की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, शुगर. तो ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है. मटेरियल नाउन ऐसी नाउन्स होती हैं जिन एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ों को बनाया जा सकता है. थर्ड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? इट इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द नेचर, क्वालिटी और एक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो हम किसी व्यक्ति की या तो क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है, उसका नेचर बताता है, या फिर उस व्यक्ति ने क्या चीज़ की है उसके बारे में हमें बताता है, दैट इज कलेक्टिव सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, ऑनेस्टी ईमानदारी, एंगर गुस्सा, सैडनेस दुखी होना. ठीक है, काइंडनेस, ट्रुथ, ब्यूटी, एक्टिविटी एक्सेट्रा. सी ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसी नाउन्स होती हैं जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताती हैं हमें, या फिर किसी व्यक्ति ने क्या चीज़ की है वो बताती है, या फिर उस व्यक्ति का नेचर बताती है. नेक्स्ट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती है? एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर नेम एज दैट काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच वी कैन काउंट एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट. ओके, ऑल कलेक्टिव नाउन्स कैन बी चेंज इन टू द प्लूरल फॉर्म सो दे आर काउंटेबल. जितनी भी कलेक्टिव नाउन्स हैं उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, दैट्स वाई दे ऑल आर काउंटेबल नाउन्स. बट मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को आप किस में चेंज नहीं कर सकते हो? कभी भी प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते हो. इसलिए वो कौन सी नाउन्स होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स. जैसे काउंटेबल नाउन्स, जैसे बर्ड, बर्ड का हो जाएगा बर्ड्स. ठीक है, बुक, बुक्स, बॉय, बॉयज. वैसे ही अगर मटेरियल गोल्ड है तो गोल्ड्स तो कभी भी नहीं होता है, सिल्वर है तो सिल्वर्स कभी भी नहीं होता है. ठीक है, वाटर है तो वाटर्स कभी भी नहीं होता है, शुगर है तो शुगर्स कभी भी नहीं होता है. वैसे ही ऑनेस्टी तो ऑनेस्टीज नहीं होता है. ठीक है, तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप कभी भी जब प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते हैं तो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन. और कलेक्टिव नाउन जो ऐसी कलेक्टिव नाउन जिन्हें प्लूरल में हम चेंज कर सकते हैं, दे आर काउंटेबल नाउन्स. ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन. ओके, अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलवेज सिंगुलर. अनकाउंटेबल नाउन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? हमेशा सिंगुलर होती हैं. अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर है तो वाटर को आप वाटर्स नहीं बोल सकते हो, दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है, वैसे ही फर्नीचर है तो फर्नीचर को आप फर्नीचर्स नहीं बोल सकते हो.
ठीक है, जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगल फॉर्म में ही रहेंगी, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगी, वो कभी भी प्लूरल नहीं होती. दिस वॉज द पार्ट वन ऑफ लेसन नंबर 1 फॉर क्लास 5th. ओके, थैंक यू.